नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में व्यापम द्वारा यानी पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा वर्ग तीन की जो वैकेंसी निकाली गई थी, यानी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतर्गत जिन भी आवेदकों ने आवेदक किया था उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डेट कैसे देख सकते हैं, और किस डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, किस डेट में आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी द्वारा जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड की लिंक ओपन कर दी गई है और एडमिट कार्ड जारी भी हो चुके हैं। तो आप अपनी डेट देखें और डेट के किस डेट से आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे व्यापम का जो पोर्टल है ओपन किया हुआ है, व्यापम का जो पोर्टल है इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में सबसे ऊपर आपको टेस्ट एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का जो यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहले आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा, इंट्रोडक्शन में आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है रीड ऑल इंट्रोडक्शन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे जो है पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 में सर्च यहाँ पे टेस्ट एडमिट कार्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर और दूसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तीसरे नंबर पर आपको ये कैप्चा कोड काउंट करके डालना होगा, फिर सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जानकारी फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करें जो कि 13 डिजिट का होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे हम कैप्चा कोड लिख लेते हैं जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे आता है। इसके बाद हम सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो एक कोई कैंडिडेट हैं जिनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है उसके 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, तीसरे नंबर पर आपको आपका नाम मिल जाएगा और चौथे नंबर पर पिता का नाम मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको एग्जामिनेशन डेट मिल जाएगी, यानी जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है। जैसे कि इनका 21/3/2022 लिखा हुआ है, यानी 21 मार्च 2022 को इनका एग्ज़ाम है, और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है एग्जामिनेशन टाइम है 3 से 5 बजे 5:30 बजे के बीच में। अब आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा और आपको एग्ज़ाम सिटी कैसे पता चलेगी किस एग्ज़ाम सिटी में है, तो यहाँ पे आपको डेट दी गई है। एग्ज़ाम सिटी आपको जो बताई जाएगी वो एग्ज़ाम डेट के 8 दिन पहले, यानी इनका जो एग्ज़ाम 21 तारीख को है, 21 मार्च 2022 को इनका एग्ज़ाम है, तो इन्हें अपनी एग्ज़ाम सिटी कब मालूम चलेगी, तो इसके 8 दिन जो पहले इनको अपनी एग्ज़ाम सिटी मालूम चल जाएगी। तो इनको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी के लिए 13 मार्च से 14 मार्च के बीच में इनकी जो है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम सिटी के बाद आप एडमिट कार्ड कब प्रिंट कर सकते हो, तो एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एडमिट कार्ड 3 डेज, यानी आपका जिस टाइम पर एग्ज़ाम है यानी जिस डेट में एग्ज़ाम है उस डेट के 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यानी 21 मार्च 2022 को इनका एग्ज़ाम है, तो ये 18 मार्च 2022 से अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन समस्त छात्रों के लिए है जो वर्ग तीन यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो यहाँ पे समस्त छात्रों को बताना चाहेंगे। बहुत से छात्र यहाँ पे परेशान होते हैं, हमने देखा जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है तो कई छात्र जो है यहाँ पे बहुत सी गलती करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो आप कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोटो हो। इसके साथ साथ उसमें जो लिखने का ऑप्शन होता है यानी 4 लाइनें जो लिखने का ऑप्शन होता है वो आपको घर पे नहीं लिखना है, वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाकर लिखना है,
और साथ में जो थंब लगाना है वो थंब भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में ही लगाना है। इसके साथ साथ कोई दो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आधार कार्ड, इसके साथ साथ एक और कोई आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना होगा। यानी कहीं कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे दो आईडी प्रूफ ले लेते हैं, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो आपने डाउनलोड किया है तो वो डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट के बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसके अलावा मार्कशीट, कक्षा 10वीं की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। तो आपको दो आईडी कार्ड लेके जाना है और फोटो आप घर से अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो लिखना है और थंब लगाना है वो आप परीक्षा हॉल में ही लिखेंगे। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं ले जानी है। आप पेन ले जा सकते हैं, आप पेंसिल ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं ले जानी है। अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें जो हमने बताई हैं ये आप कंफर्म कर लें। आप परेशान नहीं हो सकते हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके जो साथी हैं उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं और आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आता है तो आपको वो वहां से भगा भी सकते हैं। तो इसके बहुत सावधानी से ये जानकारी याद रखें, सबको बता दें, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।